हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू न्यू किचन ब्लॉग। और आज है सैटरडे और आज हमने लिया है छुट्टी। एक्चुअली मैंने आज छुट्टी ली है क्योंकि मेरे घर में है शादी। मेरी जो चाचा की लड़की है उसकी ननन की शादी है नेरल कलम में, तो बस अभी हम वहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। और हस्बैंड नहीं आने वाले क्योंकि हस्बैंड का है काम अर्जुन, तो अभी हम जाएंगे मेरे ससुराल नीरल में और वहाँ से हम सारे फैमिली मिलकर एक साथ जाने वाले हैं। तो आज मैं आपके साथ वो ब्लॉग शेयर करूँगी कि हमारे यहाँ शादी कैसी रहती है और कलम की शादी का एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो शेयर। तो है मॉर्निंग शादी, तो देखते हैं कैसे क्या रहता है। तो चलिए आपसे शेयर करते हैं। हाँ अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू नूरी किचन ब्लॉग। और जैसे कि मैंने जो हमने कल ब्लॉग बनाया थे शादी का, तो बस उसी को जस्ट हमने कंटिन्यू कर दिया है अभी। तो आज हम अभी जस्ट घर से निकले। आज है सारा की एग्ज़ाम, नीट की एग्ज़ाम है जैसे मैंने पहले आपको बताया था। तो उसका सेंटर लगा है कोपर किराने में और तो उसे 5 का एग्ज़ाम्स का टाइम है। तो बस अभी हम घर से निकले, हस्बैंड हमें ड्रॉप करने वाले हैं नवी मुंबई तक, फिर वहाँ से हम ऑटो वगैरह से चले जाएंगे। तो बस गाइस आप दुआ करिए कि सारा की एग्ज़ाम्स अच्छे से जाए और वो अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। सारा तो बस दुआ करिए कि उसके एग्ज़ाम्स अच्छे से जाए और बस आगे का भी एग्ज़ाम्स पहुंचने के बाद हम जितना हो सके उतना आपके साथ में शेयर करेंगे। तब तक के लिए ये देखिए मेरे हस्बैंड ड्राइविंग कर रहे हैं, ज़्यादा दिखते नहीं है आपको ब्लॉग्स में, सिर्फ शॉर्ट्स में दिखते हैं। बिज़ी रहते हैं वो क्योंकि उन्हें छुट्टी ही नहीं रहती है, सैटरडे संडे ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, कल शादी में भी नहीं थे। तो ठीक है, मिलते हैं आगे आपसे।
मिला नाश्ता करने को, वही तो गाइस। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं खारघर में, खांडेश्वर में, और नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि हम लोग भी कुछ करके नहीं निकले थे घर से, जल्दी जल्दी में निकल गए थे क्योंकि मेगा ब्लॉक का प्रॉब्लम ना हो इसकी वजह से। खारघर पहुँच चुके हैं, मेरा फेवरेट इडली, इडली सांभर लेने के लिए कचौरी। यहाँ पे नाश्ता करेंगे क्योंकि अभी ये खाने के बाद सारा 5 बजे छूटने वाली है, 5:20 को उसका एग्जाम खत्म हो जाएगी, तब तक थोड़ा उसको नहीं लगे इसलिए उसे हम नाश्ता से करा के लेके जाएंगे। तो देखते हैं, मुझे रुकना है यहीं पे जब तक सारे के एग्जाम खत्म हो जाते हैं, तब तक देखते हैं क्या करते हैं और आज का दिन कैसे जाता है। घर देखते प्लीज़ गाइस मेरी बेटी के लिए दुआ करिए कि उसे उसके एग्जाम अच्छी तरह से जाए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। डैडी ने लाए कचौरी उनके लिए और मेरे लिए। हेलो गाइस, हम हैं ट्रेन में, हस्बैंड ने हमें ड्रॉप किए खांडेश्वर स्टेशन, वहाँ पे नाश्ता वगैरह करके एक्चुअली खाने की ट्रेन की टिकट्स नहीं मिले हमें, वहाँ से पकड़ लेना नज़दीक था मगर ब्लॉक होने की वजह से, मेगा ब्लॉक की वजह से अभी हमें जाना मिल रहा है वाशी, से हम लेंगे ऑटो और फिर वहाँ से जाएंगे ऊपर के रात। थोड़ा संडे का प्रॉब्लम्स हो गया है मेगा ब्लॉक के हिसाब से, शेड्यूल प्रॉपर वे में होना चाहिए था, मतलब ये एग्ज़ाम्स वगैरह मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि संडे के दिन रखना कैसे होगा, लोग कहाँ कहाँ से आ रहे होंगे तो कैसे पहुँचेंगे टाइम पर, और इतना स्ट्रिक्ट है हर चीज़ यहाँ पे एग्ज़ाम्स के लिए कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करके जाना लग रहा है। मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि लोग कहाँ कहाँ से आ रहे होंगे, वो ट्रेन फ्रिक्वेंसीज रहेगी या नहीं रहेगी, मेरे हिसाब से संडे के दिन ये सारे एग्ज़ाम्स को अवॉइड करना चाहिए। मेरे हिसाब से मुझे ये पर्पस नहीं पता कि एग्ज़ाम संडे का क्यों है, अगर ऐसा ट्रैवलिंग पार्ट ऑफ देखोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है लोगों को, क्योंकि मेरे हिसाब से मतलब सारे डाक्टर और भी उसके जो क्लासमेट्स के भी जो लगे, किसी के पालघर लगे, किसी के कहाँ कहाँ लगे, आई थिंक इट वो बहुत हर्टफुल हो सकता है, जैसे हम लोग उतर गए वाशी स्टेशन और अब हमने ऑर्डर दिया है और अब हम जा रहे हैं सेंटर पे, ऊपर कह रहे हैं हमें सेंटर लगा हुआ है, बस ऑन द वे है। थोड़ी सी नर्वस है, देखते हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बस अभी जब पहुँचने के बाद आपको हम लोग बताएंगे कि आप कहाँ पर पहुँचे, तो क्या हमने सॉफ्ट में सेंटर देखिए कितनी गर्दी है, कितने सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं और ये रहा है प्रिपरेशन, ये देखिए सारे का फोटोज वगैरह हमने लगा दिया है, तैयारी शुरू है, बस अभी अंदर जाएंगे। ये बोर्ड एग्ज़ाम से भी ज़्यादा बहुत ही बहुत ही रूल फॉलो करने पड़ रहे हैं यहाँ पर, कपड़े भी उनके हिसाब से पहन कर आना है, हर चीज़ भी उनके हिसाब से होगी। तो लेट्स सी अभी कब अंदर लेते हैं बच्चों को, देखते हम लोग बाहर यहाँ खड़े हुए हैं, चलिए फिर बाय। सारा बाहर आ चुकी है, अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हुई, अभी जस्ट बाहर आइए और मैं आपको बताती हूँ बाहर देखिए इतनी गर्दी है, इतने पेरेंट्स हैं कि देखिए इतनी गर्दी है, पेरेंट्स यहाँ लाइन में खड़े हो गए, इतना सारा ट्रैफिक जाम चल रहा है, गेट है आगे जहाँ जिसका पेरेंट्स बाहर निकल रहे हैं उसमें ट्रैफिक भी है, तो काफ़ी लोग हैं, मतलब 530 बच्चे एक यहाँ पर देखिए सब, और बस सभी सारा
आ गई है बाहर, अब हम आगे चले।